नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, जो जो लोग एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 2024 की सबसे बेस्ट भर्ती, सबसे शानदार भर्ती निकल कर आ रही है दोस्तों एयरफोर्स की तरफ से। और खास बात यह है कि यह आपकी परमानेंट भर्ती है, ये अग्निवीर के जैसे 4 साल वाली दोस्तों भर्ती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी परमानेंट भर्ती है एयरफोर्स के अंदर। यानी कि दोस्तों, जिस तरीके से अग्निवीर स्कीम के आने से पहले एयरफोर्स के अंदर जो परमानेंट सिलेक्शन होते थे दोस्तों, उसी बेस पर ये वैकेंसी हो रही है एयरफोर्स के अंदर। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एक परमानेंट सरकारी नौकरी के रूप में, तो उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है एयरफोर्स की तरफ से। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं, क्या ये भर्ती है, कितनी इसके अंदर पोस्ट है, इसमें अप्लाई करने के लिए क्या आपकी एज लिमिट मांगी गई है, क्या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप कब से लेकर कब तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कितनी आपकी फीस लगने वाली है, और क्या आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट तरफ से आने वाली अपडेट और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वैकेंसी की, तो यह है आपकी इंडियन एयरफोर्स नॉन टेक्निकल भर्ती 2024। दोस्तों, एयरफोर्स के अंदर नॉन टेक्निकल भर्ती निकाली गई है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं उस पोस्ट की, तो वो है आपकी नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट। दोस्तों, नॉन टेक्निकल के अंदर जो मेडिकल असिस्टेंट है उसके पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है एयरफोर्स के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडियन गोरखा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल मेल कैंडिडेट टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 3 जुलाई 2024 टू 12 जुलाई 2024 टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स एस एयरमैन इन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एट बेस रिपेयर डिपो एयरफोर्स चंडीगढ़। दोस्तों, एयरफोर्स चंडीगढ़ है जो डिपो है दोस्तों, वहां पर ये वैकेंसी निकली हुई है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दोस्तों ये जो आपकी वैकेंसी है ये नॉन टेक्निकल जो मेडिकल असिस्टेंट है उसकी पोस्ट पर निकाली गई है। और दोस्तों, ये परमानेंट वैकेंसी है, ये अग्निवीर की तरह टेम्परेरी वैकेंसी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की, यानी कि टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके अप्रोक्स 1000 के लगभग दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी नहीं है इसके बारे में। लेकिन दोस्तों, जो पिछली भर्तियां निकली हुई हैं उनके बेस पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो औसतन दोस्तों यहाँ पर 1000 भर्ती रहने वाली है इस पोस्ट पर। और इसमें अप्लाई करने के लिए अगर हम बात करें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दो तरीके से मांगी गई है। एक तो आपकी ये है कि आप अगर मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 12th पास कर रखी है दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर आपके मिनिमम 50% मार्क्स हो, या फिर दोस्तों आपने डिप्लोमा कर रखा हो या बीएससी कर रखी हो फार्मेसी के अंदर। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। और यहाँ पर हम बात करें एज लिमिट की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो रखी गई है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2008 के बीच है और इसके साथ साथ ये दोनों डेट है ये भी इसमें इंक्लूड होंगी, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह तो उनके लिए है जो दोस्तों 12th पास अप्लाई कर रहे हैं, और जो लोग बीएससी या फिर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, उनकी एज लिमिट है यहाँ पर 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2006। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2004 के बीच है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए दोस्तों, आपके जो फॉर्म भरना है वो शुरू होंगे यहाँ पर 22 मई से। दोस्तों, आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे यहाँ पर 22 मई से, और 22 मई से लेकर आप यहाँ पर दोस्तों 5 जून 2024 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ 22 मई से लेकर 5 जून 2024 तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी भर्ती रैली होगी दोस्तों, वो होगी आपकी 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में। दोस्तों, आपकी जो भर्ती की रैली होनी है वो होनी है
3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच दोस्तों। और दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी सैलरी, यानी कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इसके अंदर कितनी सैलरी कितना वेतन मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, तो वो है आपकी रहने वाली है 26,900 रुपये प्रति महीना, जो आपकी बेसिक पे है। इसके बाद में जो आपके अदर अलाउंस होती हैं, आपके महंगाई भत्ते, आपके HRA, आपके दोस्तों DNS अलाउंस और भी काफी सारे अलाउंस हैं दोस्तों, तो उनको जोड़ने के बाद आपकी सैलरी बन जाती है महीने के लगभग 40,000 से 42,000 रुपये प्रति महीना दोस्तों। या दोस्तों आपकी सैलरी प्रति महीना 40,000 से 42,000 रुपये के आसपास रहने वाली है अगर आप एयरफोर्स के अंदर नॉन टेक्निकल ग्रुप वाई में मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो एयरफोर्स के अंदर इस नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट पर किस बेस पर होगा। देखिए दोस्तों, आपका जो सिलेक्शन है पूरी पूरी 4 स्टेज में होगी। यहाँ पर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 दोस्तों। देखिए तो पहला स्टेज है, उसके अंदर यहाँ पर आपका दोस्तों होगा PFT and DV, यानी कि पहले आपको दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपके स्टेज सेकंड में आपका रिटन टेस्ट होना है, फिर आपका होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, फिर दोस्तों आपका होना है मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि इन 4 स्टेज के अंदर आपकी पूरी पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों इसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पर आपका फिजिकल की, फिजिकल के अंदर से क्या मांगा गया है। देखिए दोस्तों, आपका जो मेडिकल फिजिकल होना है उसके अंदर आपकी जो हाइट है वो मांगी गई यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर है दोस्तों। अगर आपकी हाइट मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी चेस्ट है दोस्तों, उसको आपको 5 सेंटीमीटर फैला के दिखाना होगा। और इसके अलावा आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है दोस्तों, वो नॉर्मल होनी चाहिए, आपके दांत हेल्दी होने चाहिए और दोस्तों आपकी आंखें हैं वो ठीक होनी चाहिए। इनको और डिटेल में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करें आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, तो उसके अंदर आपसे रनिंग करवाई जाएगी 1.6 किलोमीटर दोस्तों। आपको यहाँ पर 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है, जिसके लिए आपको 7 मिनट दिए जाएंगे। आपको 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी दोस्तों। और इसके साथ साथ यह तो उनके लिए है जो 12th पास के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, और दोस्तों जो जो लोग डिप्लोमा या फिर BSc इन फार्मेसी के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, उनकी यहाँ पर एज को देखते हुए उनको 30 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। यानी कि अगर आपने 12th बेस पर अप्लाई किया है तो आपको मिलेंगे इस दौड़ के लिए 7 मिनट, अगर आपने BSc या डिप्लोमा बेस पर अप्लाई किया है दोस्तों आपको मिलेंगे यहाँ पर 7 मिनट और 30 सेकंड। आपको 7 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे यहाँ पर इस दौड़ को कम्प्लीट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपने देखा था कि इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 2 एलिजिबिलिटी है, 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यानी अगर आप 12th पास है तो आप उसके बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने BSc इन फार्मेसी कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है तो आप उसके बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उन दोनों के अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पर ही यहाँ पर आपको दौड़ का दोस्तों अलग अलग टाइम दिया जा रहा है इस प्रकार से। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, आपकी यहाँ पर जो ये दौड़ होनी है इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना आपको कोई मार्क्स यहाँ पर मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। यह आपको सिर्फ क्वालिफाई करनी, यानी कि आपको सिर्फ पास करनी है दोस्तों, यानी कि आपको इसको क्वालिफाई करना होगा जो कि कंपलसरी है, लेकिन आपको इसे कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर आपका होना है, आपको 10 पुशअप्स करके दिखानी होंगी, 10 सिटअप्स, 10 स्क्वाट एक गिवन टाइम के अंदर दोस्तों। इस प्रकार से आपका फिजिकल होना है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके एग्जाम पैटर्न की और आपका जो सिलेबस है दोस्तों उसकी, यानी कि आपका दोस्तों एग्जाम किस पैटर्न में रहेगा और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर, देखिए दोस्तों बात करें यहाँ पर आपके एग्जाम पैटर्न की, दोस्तों पहले आपको जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसको क्वालिफाई करना है, तो उसको क्वालिफाई करने के बाद में आपका एग्जाम होगा दोस्तों। एग्जाम के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर 45 मिनट, और 45 मिनट उसको आपको एग्जाम करने के लिए दिए जाएंगे, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन रहेंगे। उन 50 में से दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के, और दोस्तों 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंग्लिश के। इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। और हम बात करें यहाँ पर आपके मार्किंग स्कीम की, यानी कि आप दोस्तों देखिए, अगर आप 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो दोस्तों आपका 1/4 नंबर काट लिया जाए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी कितनी फीस लगने वाली है। तो देखिए दोस्तों, चाहे आप किसी भी कास्ट किसी भी कैटेगरी से हो, सबके यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दोस्तों 100 रुपए लगने वाले हैं। दोस्तों आपके यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबके 100 रुपए ही लगने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट किसी भी कैटेगरी से हो। मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आप सब लोगों के लिए एयरफोर्स के अंदर निकली हुई परमानेंट वैकेंसी, परमानेंट सरकारी भर्ती नॉन टेक्निकल पोस्ट के अंदर दोस्तों, जो मेडिकल असिस्टेंट है उसकी भर्ती को लेकर संपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।